अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो गाइस गाइस, आज की इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो में हम आपके लिए फिर से टॉप 3 बेस्ट यूनिक एंड्रॉइड ऐप्स को लेके आ चुके हैं, जो कि बहुत ही अमेजिंग और यूनिक और इंटरेस्टिंग सी मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, जिन्हें आप लोगों को एक बार जोर से ट्राई करना चाहिए। जो मुझे तो पता है, लेकिन अभी तक आप लोगों को क्यों नहीं पता। बहुत ही इंटरेस्टिंग और मैं कहता हूँ यूनिक और कमाल की एप्लीकेशंस हैं बड़ी। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने क्या करना है, इस वीडियो को लाइक ठोक देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर भी कर देना। तो लेट गेट स्टार्टेड। ओ गाइज, यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट नंबर पे एप्लीकेशन मौजूद है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको आपके मोबाइल में कोई भी ऐसा स्क्रीनशॉट होता है जो कि आपको नहीं मिल रहा होता, और आप उस वक्त बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो जाते हो और अपने मोबाइल को तोड़ने का दिल करता है। जी हाँ, तो कभी कभार ऐसा आप लोगों के साथ अगर होता है तो आप लोग इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो। इस एप्लीकेशन पर मैं यहाँ पर फोकस करके आप फ्रेंड्स को दिखा देता हूँ। तो इसका नाम है स्क्रीनरी, कुछ इस टाइप से है पड़ा। तो इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप इसे ओपन करते हो, ओपन करने के बाद इसका सिंपल से इंटरफेस आप फ्रेंड्स के सामने ओपन होके आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पे इसे अलाउ करते हो, अलाउ करने के बाद यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो अपने किसी भी एनी वन स्क्रीन शॉट को। आप इजिली अपने मोबाइल में से फाइंड कर सकते हो, और वो कहाँ पे पड़ा है, उसका क्या क्या नाम है, ये आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। इसलिए नाम के साथ आपको अपना स्क्रीनशॉट को सेव कर लेना है। तो मेरा इस मोबाइल में कोई भी एनीवन स्क्रीनशॉट नहीं है, तो इसलिए ये यहाँ पे सर्च हो रहा है। तो अगर आपके मोबाइल में कोई भी एनीवन स्क्रीनशॉट है, तो आप वहाँ पे उसका जो भी टेक्स्ट है यहाँ पे आप टाइप करने के बाद उस स्क्रीनशॉट को ईज़िली सर्च कर सकते हो। ईज़िली है ना। तो चलिए चलते हैं नंबर सेकंड एप्लीकेशन की तरफ। तो गाइस, यहाँ पे हमारे पास जो नंबर सेकंड पे एप्लीकेशन है, ये भी बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है। कभी कभार ऐसा होता है कि अगर आप अपना मोबाइल यूज़ करते हो और उसके बैकग्राउंड में कोई भी एनीवन एप्लीकेशंस आपका कैमरा या फिर कोई डाटा या फिर कुछ भी एनीवन एक्सेस करती हैं, तो ये एप्लीकेशन आपको बताएगी कि आपकी क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी एप्लीकेशन एक्सेस कर रही है। तो इसके लिए आपको सिंपल इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है, जिसका नाम है एक्सेस डॉट। तो जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो, तो यहाँ पे इसे यस कर देना, और यहाँ पे ऐड वगैरह को आप डिसेबल कर सकते हो इसमें। तो जैसे ही इसमें सिंपल आपको इसे ऑन कर देना है, ऑन करने के बाद आप इसकी कुछ सेटिंग्स वगैरह कर सकते हो अपने हिसाब से। आप जो भी यहाँ पे डॉट वगैरह हैं, आप उनका कलर्स वगैरह अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, उन्हें सेट आउट कर सकते हो यहाँ पे। और उसके बाद जैसे ही आप यहाँ से बैक आते हो, तो यहाँ पे माइक्रोफोन एक्सेस, अगर कोई भी एनीवन आपकी एप्लीकेशन माइक्रोफोन एक्सेस कर रही है, तो फिर भी ये डॉट ब्लिंक करेगा। तो उसके बाद आप यहाँ पे इसका साइज़ भी कस्टमाइज़ कर सकते हो, और भी इसमें काफ़ी सारे चेंजिंग्स वगैरह आप कर सकते हो। आपको टॉप पे चाहिए, लेफ्ट पे, राइट पे, टॉप, बॉटम, आपको जहाँ पे भी चाहिए आप ये ट्राई आउट कर सकते हो। जी हाँ, बहुत ही अमेजिंग एप्लीकेशन है। तो जैसे कोई भी एनीवन एप्लीकेशन आपकी किसी भी एनीवन चीज़ को एक्सेस करेगी, तो ये आपको डॉट ऊपर से दिखाएगा कि आपकी कौन सी एप्लीकेशन किस चीज़ को एक्सेस कर रही है, तो आप उस एप्लीकेशन को स्टॉप कर सकते हो। जी हाँ, जो कि आपके बैकग्राउंड में आपका डाटा को यूज़ करती रहती है, और आपके डर होता है कि कहीं हमारे कोई भी एनीवन डाटा हैक ना हो जाए, तो इस एप्लीकेशन को यूज़ करके आप इन चीज़ों का पता चला सकते हो। और नंबर थर्ड पे जो एप्लीकेशन है, वो बहुत ही अमेजिंग सी एप्लीकेशन है, जो कि हर ऐसे यूज़र के पास होनी चाहिए जिसे अपने मोबाइल चोरी होने का खतरा रहता है। तो इस एप्लीकेशन को आप लोग बिल्कुल मिस ना कीजिएगा। तो चलिए हम उसे भी ट्राई कर लेते हैं। तो गाइज, यहाँ पे हमारे पास जो नंबर थर्ड पे एप्लीकेशन है, ये बहुत ही कमाल की और दासूसी एप्लीकेशन है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। इसका नाम है हमीर सिक्योरिटी, कुछ इस टाइप से इसका नाम है। आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो इस एप्लीकेशन को। तो लिंक भी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तीनों एप्लीकेशन का, आप जाके वहाँ से भी इसने डाउनलोड कर सकते हो। तो जैसे ही मैं इस एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ, तो इसका बहुत ही अमेजिंग सा काम है। इसका ये काम है कि अगर आपका मोबाइल किसी जगह पर गुम हो गया, और वो आपके मोबाइल को पावर ऑफ करना चाह रहे हैं, या फिर आपके मोबाइल आपके किसी भी एनीवन फ्रेंड के हाथ से चढ़ गया और वो उसे फ्लाइट मोड पे डाल देता है, या फिर कुछ ऐसे ही सीन आप लोगों के साथ अगर बनता है, तो आप लोग इस एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हो। और इसकी मदद से आप उस बंदे की पिक्चर वगैरह को यहाँ पे देख सकते हो, और उसके साथ साथ आप वीडियोस वगैरह को भी रिकॉर्ड कर सकते हो।
कोई भी एनीवन, अगर आप अपने कैमरे से वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हो, और उसके साथ साथ आप कोई भी एनीवन डिस्प्ले पे मैसेज भी छोड़ सकते हो और अलार्म भी बजा सकते हो। ये सारे काम इसी एप्लीकेशन से आप कर सकते हो। जी हाँ, और उसके बाद आप SOS सेटिंग यानी कि जो इमरजेंसी सेटिंग होती है आप वो भी सेट कर सकते हो अपने इन बटन्स के हिसाब से, या फिर आपको वो भी इसमें एप्लीकेशन में ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और साथ में आप इसे रिमोटली कंट्रोल कर सकते हो, लाइव लोकेशन देख सकते हो, लाइक ऑडियो तक आपको एक्सेस मिल जाएगी। तो ऐसी एप्लीकेशन का मोबाइल में होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपका कोई भी एनीवन दोस्त आपके मोबाइल को शट डाउन करता है तो जैसे ही आप यहाँ पे फेक शट डाउन के ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो आप फेक शट डाउन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा और उसे पता नहीं होगा कि आपका मोबाइल वाकई शट डाउन हो गया या वैसे ही एक फेक शट डाउन क्रिएट होके उसके सामने आया है। और उसके बाद अगर वो एरोप्लेन मोड पे लगाता है तो यहाँ पे फेक एरोप्लेन मोड भी हमें दिया जाता है, और उसके बाद यहाँ पे आपको SOS सेटिंग बटन यहाँ पे दिया जाता है, आप वो भी कर सकते हो। और उसके साथ साथ यहाँ पे आप एप्लीकेशंस को लॉक भी लगा सकते हो, और यहाँ पे लो बैटरी SMS अगर आपको चाहिए तो आपको वो भी मिल जाता है। और उसके साथ साथ यहाँ पे और भी कार्ड डायरेक्टर कुछ है पड़ा, आप इन्हें भी यूज़ कर सकते हो। बहुत ही अमेजिंग सी एप्लीकेशन है, जस्ट इसकी परमिशन को आपको यहाँ पे अलाउ कर देना। अलाउ करने के बाद आपको यहाँ पे काफ़ी सारी इसमें सेटिंग्स देखने को मिल जाएंगी, और यहाँ पे अगर आप इसकी सेटिंग पे क्लिक करो तो यहाँ पे आपको भी और भी काफ़ी अच्छी अच्छी सेटिंग्स देखने को मिलने वाली हैं। आप यहाँ पे अपना सिम कार्ड नंबर ऐड कर सकते हो, उसके बाद कॉन्टैक्ट को एक्सेस दे सकते हो, और उसके बाद और आपको काफ़ी सारी और भी सेटिंग्स इसमें देखने को मिलने वाली हैं जिनका यूज़ करके आप अपने मोबाइल को और भी ज़्यादा सिक्योर रख सकते हो। सिक्योरिटी को लेके बहुत ही अहम एप्लीकेशन है ये। तो उम्मीद करूँगा कि ये टॉप 3 बेस्ट एंड्रॉयड ऐप्स की वीडियो आप फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा पसंद होगी। पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक ठोक देना, कर लेना चैनल को सब्सक्राइब मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।